हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत एक नए सेशन में फिर से स्वागत करता हूँ। तो यहाँ पे हम लूसेंट कवर करा रहे थे। तो यहाँ पे लूसेंट अगर आप कवर कर लेते हैं तो लगभग जो क्वेश्चन है आपके 90% जो कि आप जीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाता है आपके लूसेंट से 90% जो आपका क्वेश्चन कवर हो जाता है। बाकी जो जीके का क्वेश्चन आपको कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं, मैं यहाँ से लूसेंट पूरा कवर करा दूँगा। तो आपको उसको बार बार बस रिवाइज करना है। जितना आप रिवाइज करते जाएंगे उतने आप मतलब जीके के मामले में बेस्ट होते जाएंगे। तो रिवाइज़ किए, साथ ही साथ यहाँ पे मैं यहाँ पे हिस्ट्री पे करा रहा हूँ। इसके बाद आपका साइंस के भी कराते जाऊँगा साथ ही साथ। तो आपके हिस्ट्री के चल रहा है मेरा, तो पार्ट वाइज इसको देखिए। हमारा लगभग 8 पार्ट जो कि आपके लूसेंट से हो गया, तो ये हमारा 9वां पार्ट है। तो उसको भी जाके देख लीजिए। इसमें जितना भी सारे क्वेश्चन जो है आपके सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को लिया गया है। तो आपको यहाँ से क्वेश्चन आपके हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। टेस्ट सीरीज अगर लिए होंगे तो यहाँ से आपको लेवल क्वेश्चन का पता चलेगा। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। 40 क्वेश्चन हम 8वें पार्ट में किए थे, 40 क्वेश्चन। तो हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाएँ। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो 41 क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन है यहाँ पे वर्धमान जिला, परगना जिला, हुगली जिला या सुल्तानपुर जिला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका हुगली जिला, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो राजा राम जो मोहन राय है इनका जो जन्म लगभग आपके मान के चलिए 1772 से लेकर आपका 1833 में इनका जन्म हुआ है। आपके राधानगर जो आपके जो बंगाल में इनका जन्म हुआ, तो राधानगर हुगली जिला के बंगाल के अंतर्गत, या आपका हुगली जिला याद रखिए बंगाल के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर इनका इनका जन्म हुआ था। या आपके ब्राह्मण जाति इनका यहाँ पे ब्राह्मण में जो परिवार में एक आपके इनका जन्म हुआ था, तो खास करके के बंगाली थे इनको, याद रखिए। ये आपके जो राजा राम मोहन का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इन्होंने जो राजा राम मोहन कौन है अगर पूछ दे तो आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछा भी गया है। और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की और यह एक समाज सुधारक भी इनको कहा जाता है। तो मशहूर हुए थे आपके ब्रह्म समाज की स्थापना इन्होंने की थी, तो इसके कारण ये आपके प्रसिद्ध हुआ था। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि जो ब्रह्म समाज है इसकी स्थापना जो है आपके कौन से सन में किया गया था, तो इसको किया था आपके 20 अगस्त 1828 में। तो 20 अगस्त 1828 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो 20 अगस्त 1828 में ब्रह्म समाज के जो स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा और उनके जो मित्र थे द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसको स्थापित किया गया था। इसको याद रखिए, क्वेश्चन डेफिनेटली क्वेश्चन बहुत बार इसको पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत के बाहर हुई थी? ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो ज्योतिबा फुले, राजा राम मोहन राय, या आपके स्वामी विवेकानंद, या केशव चंद्र सेन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा राजा मोहन राय। इनके बारे में तो पढ़ा ही चुका हूँ मैं। तो ये आपके धर्म सुधारक से इनकी जो मृत्यु है, इनका डेथ है भारत के बाहर हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके महान धार्मिक सुधारक थे, इनको जानते हैं, जो इनकी जो मृत्यु है आपके भारत के बाहर इनकी मृत्यु हुई थी, इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। वर्ष 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो कुंवर सिंह, भगत सिंह, खान बहादुर, या आपके मौलवी अहमद शाह। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपको इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, खान बहादुर। तो इनका जो जन्म है बरेली विद्रोह के नेता थे, तो इसको याद रखिए कौन से सन में। तो 1857 वर्ष में बरेली विद्रोह के नेता बनाए थे खान बहादुर। तो इन्होंने खान बहादुर जो कि इनका जो जन्म है आपके रोहिल्ला, इनका जन्म हुआ था 1857 के विद्रोह में। इन्होंने जो जितने भी अंग्रेजों से इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ इन्होंने लड़ने के लिए अपनी सरकार को बनाई गई थी आपके खान बहादुर बरेली विद्रोह के नेता थे। इसको याद रखिए, अंग्रेजों के लड़ने के लिए अपनी खुद की सरकार इन्होंने बनाई थी, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। निम्नलिखित में से कौन जो है आपके आज़ादी की पहली लड़ाई में शामिल नहीं हुआ था? तो रानी लक्ष्मीबाई, भगत सिंह, तात्या टोपे,
या आपके बहादुर शाह जफर, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, भगत सिंह। तो याद रखिए, तो आज़ादी की पहली लड़ाई में जो शामिल कौन नहीं हुए थे, तो भगत सिंह ये आपके शामिल नहीं हुए थे, इसको याद रखिएगा। तो जो भारत, जो आपके जो भगत सिंह थे, भगत सिंह जो 1857 की जो लड़ाई हुई थी, इस विद्रोह से जुड़े हुए नहीं थी, इसको याद रखिएगा, 1857 की विद्रोह में जुड़े हुए नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे इल्बर्ट बिल जो विवाद है आपके किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था, तो आपके लॉर्ड रिपन, लिटन, डफरिन, नॉर्थ ब्रुक। तो इसका सही यहाँ ऑप्शन हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इल्बर्ट बिल जो विवाद है आपके, जो आपका जो लॉर्ड रिपन थे, इस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। तो इसमें प्रस्तावित किया गया था कि जो भारत में जितने भी ब्रिटिश कर्मचारी से जुड़े मामलों के जो अध्यक्षता हमारे भारतीय मजिस्ट्रेट यहाँ पे करेंगे, तो इस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था। तो इसको याद रखिएगा, 1883 की बात है ये। अगला है, किसको हर्मिट ऑफ सिमिला के नाम से जाना जाता है, तो आपके जॉर्ज यूल को, विलियम वेडरबर्न, या आपके एलन ऑक्टेवियन ह्यूम को, या रविंद्र टैगोर। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो इसका सी ऑप्शन हो जाएगा आपको, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, इसको और क्या नाम से जानते हैं, तो इसको ए ओ ह्यूम के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो इसको ए ओ ह्यूम करके इसको याद कर सकते हैं। इनको जो है आपका हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से इसको जाना जाता है। हर्मिट ऑफ शिमला के नाम से क्यों ये प्रसिद्ध है, तो एक एकांतवासी व्यक्ति थे, साथ ही साथ आपके एक त्यागी भी थे, अयोगी स्वभाव के होने के कारण इसको ए ह्यूम को यहाँ पर हर्मिट ऑफ शिमला यहाँ पे इनको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका ए ओ ह्यूम ऑप्शन दिया रहेगा, तो ए ओ ह्यूम लेना है या एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, आंसर जो भी आपको दिया रहेगा तो उसके हिसाब से आपको लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे ब्रिटिश संसद के लिए कौन से जो भारतीय हैं जो पहली बार उनको निर्वाचित हुए थे, तो जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, या अब्दुल कलाम आज़ाद। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश संसद के लिए याद रखिएगा, ब्रिटिश संसद के लिए जो हमारे पहले जो भारतीय पहली बार निर्वाचित हुए कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटेन के संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे नौरोजी। तो 1885 की है आपके, इनको ब्रिटेन में संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे, इसको याद रखिएगा। सारे जितने भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहे हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर, चाहे यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, चाहे स्टेट का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका सेंट्रल का कोई भी एग्ज़ाम हो, तो सारे जो एग्ज़ाम हैं सबको कवर कराएगा। जीके से आपको जितना भी क्वेश्चन है आपसे यहाँ से बन जाएगा, कोई भी एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 क्वेश्चन हमारा। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस पार्टी बनी थी, तो लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हार्डिंग, या आपके लॉर्ड डफरिन। तो इसको याद रखिएगा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो आपके जो लॉर्ड जो डफरिन थे, इस गवर्नर जनरल के कार्यकाल, उनके जो कार्यकाल के दौरान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की जो गठन हुई थी, तो इसको याद रखिए, लॉर्ड डफरिन एक गवर्नर जनरल थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना, इनके समय में जो भारत के जो गवर्नर जनरल थे आपके लॉर्ड डफरिन, तो इसके शासनकाल में 1884 से 88 ईस्वी में ये आपके हुए थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन है जो गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, तो आपके लाला हरदयाल, पी मित्रा, विपिन चंद्रपाल, बी जी तिलक। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका, इसका सही ऑप्शन यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे सही आंसर जो आपका हो जाएगा लाला हरदयाल। तो लाला हरदयाल जो कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे, तो इसको याद रखिए, गदर पार्टी जो है आपके, गदर जो पार्टी के जो संस्थापक या अध्यक्ष सोहन सिंह बापना थे, और लाला हरदयाल इस पार्टी के आपके संस्थापक इनको कहे जाते हैं, याद रखिए। अगर यहाँ पे हरदयाल के साथ आपका जो इनके जो अध्यक्ष थे सोहन सिंह बापना अगर दिए रहता, तो दोनों आपका आंसर हो जाता है। तो यहाँ पे
लाला हरदयाल देना है तो आपको हरदयाल लेना है। अगर आपके इसमें जो ऑप्शन है यहाँ पे सोहन सी बापनगर दिया रहता तो उसको भी आपको आंसर में लेना पड़ेगा। दोनों में से एक भी दिया रहेगा तो दोनों में से एक आपको ऑप्शन ले लें। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस और आपका इंडियन एसोसिएशन का जो मिलन वर्ष किस वर्ष हुआ था, तो ये आपका 1840 में, 1855 में, 1869 में या आपका 1886 में। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा 1886। तो 1886 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और आपका इंडियन एसोसिएशन, तो इसका जो दोनों का जो मिलन आपके कौन से वर्ष हुआ था, तो आओ 1886 में इनका मिलन हुआ था। तो इसको याद रखिए, इंडियन एसोसिएशन और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो 1886 में दोनों का कांग्रेस में विलय कर दिया गया था और 1886 में आपके कलकत्ता में जो आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे सत्र के दौरान इसको किया गया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत नीति आयोग संगठित हुआ था, तो अनुच्छेद 260, 270, 290 या डी है इनमें से कोई नहीं। इसका डी है, इनमें से कोई नहीं। तो नीति आयोग जो भारत के संविधान के तहत आपके संगठित नहीं है, तो इसको नीति आयोग को आपका नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया भी इसको कहा जाता है। तो इसको याद रखिए, ये आपकी योजना आयोग जो है इसके स्थान पर भारत सरकार के द्वारा इसको एक स्थापित एक नया संस्थान है। तो इसको याद रखिए, इसकी जो स्थापना है 1 जनवरी 2015 को जो कि इसको इसको स्थापना किया गया था। तो इसको याद रखिए, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है, तो शराबबंदी संविधान के कौन से धारा में निर्देशित या बताया गया है, तो धारा 31, धारा 38, धारा 47 या आपके धारा 54। इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा यहाँ पे अनुच्छेद आर्टिकल आपका कौन सा 47, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो धारा 47 में भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व जो संबंधित जो अनुच्छेद जो 47 है आर्टिकल 47 इसमें बताया गया, जिसमें मादक पे जो हानिकारक जो नशीले पदार्थ यहाँ पे प्रसिद्ध करने का प्रयास करने को यहाँ में किया गया है। तो इसको याद रखिएगा कौन से, तो आर्टिकल धारा 47 आर्टिकल 47 भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में ये आपका संबंधित है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 53 क्वेश्चन हमारा, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, तो विधि विभाग का, अधीनस्थ न्यायालय या आपके लोक सेवा आयोग या सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अधीनस्थ न्यायालय। तो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट को किसका अधीक्षण करने का अधिकार है, तो अधीनस्थ जो न्यायालय है, अधीनस्थ यहाँ पे जो अधीनस्थ न्यायालय को मतलब जिला और आपका इसको सत्र न्यायालय के ऊपर होता है अधीक्षण करने का अधिकार। तो इसको याद रखिए, तो उच्च न्यायालय को आपके अधीक्षण करने का अधिकार आपका अधीनस्थ न्यायालय का ये आपका ऊपर होता है। तो इसको याद रखिए, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो इसको याद रखिएगा प्रथम महिला कौन थी हाई कोर्ट के पद पर नियुक्त होने वाली, तो अन्ना चंडी, दुबा बनर्जी, लीला सेठ या आपके कार्नेलिया सोराबजी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लीला सेठ। याद रखिएगा, लीला जो सेठ है या आपके उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के पद पर नियुक्त होने वाली प्रथम महिला है, इसको याद रखिए। तो भारत में जो उच्च न्यायालय के जो पहला मुख्य जो न्यायाधीश आपके लीला सेठ थी, इसको याद रखिएगा। लीला सेठ कौन से सन में, तो 1991 में जो हिमाचल प्रदेश की जो कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी और आपके दिल्ली के भी रही हैं। तो इसको याद रखिए, लीला सेठ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद जो है आपके कार्यरत है, तो क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है वर्तमान समय में, तो 2, 4, 5 या 8, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। तो वर्तमान समय में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है, तो 5 यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद कार्यरत है। तो आपके कौन से अधिनियम तहत, तो 1956 के अनुसार ये आपके 5 परिषद बनाए गए, आपके उत्तर और आपका पूर्वी, पश्चिमी और आपका दक्षिणी,
तो ये आपके लगभग 5 यहाँ पे क्षेत्रीय परिषद यहाँ पे वर्तमान में कार्यरत है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे योजना आयोग का जो पदेन सभापति कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा प्रधानमंत्री। तो योजना आयोग के जो पदेन जो सभापति कौन होते हैं, तो भारत के जो प्रधानमंत्री योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं, तो इसको याद रखिएगा। योजना आयोग का जो गठन है कब किया गया था, तो 15 मार्च 1950 को इसका गठन किया गया था, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग को लाया गया था, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहते हैं, मैं बता चुका हूँ। तो इसके आयोग के रूप में इसको जाना जाता है। तो याद रखिए, प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, तो इसको भी याद रखिएगा। क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 57 क्वेश्चन हमारा। योजना आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तदर्थ निकाय है, असंवैधानिक निकाय है, या इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। तो योजना आयोग न तो आपका संवैधानिक निकाय है, ना ही वैधानिक निकाय है, तो इनमें से कोई नहीं, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो 1950 में इसको भारत सरकार के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, प्रधानमंत्री योजना आयोग के, जो कि प्रधानमंत्री जो है इस योजना आयोग के अध्यक्ष इनको जो कि बनाए गए थे, लेकिन 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग ने योजना आयोग का स्थान ले लिया था। ये आपके पंचवर्षीय योजना के लिए इस योजना को लाया गया था, तो इसको याद रखिएगा। कौन से तो पंचवर्षीय योजना के लिए इसको बनाया गया था, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में किस प्रकार की प्रशासनिक सेवाएं हैं, तो आपका अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, प्रांतीय सेवा, या आपके इनमें से सभी, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। तो भारत में आपके सभी प्रकार के प्रशासनिक सेवाएं हैं, अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय, प्रांतीय, ये सभी प्रकार के हैं, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इसको भी बहुत बार क्वेश्चन को रिपीट किया, जितना भी क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ सारे क्वेश्चन आपके बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, तो इसको बार बार रिवाइज कीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लुसेन से क्वेश्चन को छांट के लिए जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो क्वेश्चन हमारा वित्त आयोग का जो गठन है कितने समय के लिए होता है, तो आपके 1 वर्ष के लिए, 3 वर्ष, 5 या 10, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, 5 वर्ष। तो 5 वर्ष के लिए जो वित्त आयोग का गठन आपके 5 वर्ष के समय के लिए होता है, तो इसको याद रखें। तो ये आपके जो वित्त आयोग है, वित्त जो आयोग है आपके संवैधानिक संस्था है, इसको भी याद रखिए। कौन सी संस्था है, तो आपका संवैधानिक संस्था, इसको भी याद रखिए। जो आपके जो गठन है संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया गया, तो आर्टिकल आपके 280 में, तो आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में होता है, तो इसको भी याद रखिए, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन को पूछा है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। राज्य वित्त आयोग एक विधिक संस्था है, या आपके असंवैधानिक संस्था है, या आपके संवैधानिक संस्था, या इनमें से कोई नहीं, तो मैंने जस्ट इसको पढ़ाया है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राज्य में जो वित्त आयोग होता है, ये आपका संवैधानिक संस्था होता है, तो इसको याद रखिएगा। तो वित्त जो आयोग एक संवैधानिक संस्था है, जिसको गठन आपके संविधान के कौन से आर्टिकल में बताया है, तो अनुच्छेद आपके 280, अनुच्छेद 280 में, इसके तहत हर 5 साल में होता है, तो इसको याद रखिएगा, इसको भूलना नहीं, अनुच्छेद 280 में इनके बारे में बताया गया, तो इसको याद रखिएगा। तो आज का जिस सेशन कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और जो क्लासेस ले रहा हूँ सबको रिवाइज करते चलिए। रिवाइज करने से क्या होता है, एग्जाम टाइम में आप कंफ्यूज होता है कि 4 ऑप्शन है तो इसमें से कौन सा होगा करके अक्सर कंफ्यूज होता है, तो यही होता है कि हम उसको रिवाइज नहीं करके जाते, इसलिए हम उसमें होते हैं, तो इसको रिवाइज कीजिए। बार बार देखिए तो आपको पूरा भूलेंगे नहीं, आपको परफेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए कमेंट करके बताइएगा आज का सेशन कैसे लगा, और पहले बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों वालों को भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि उन लोग भी इसका लाभ उठा पाए। थैंक यू।